सीजन 8 ने लगा दी क्या है, करिश्मा की वाट। चलिए करिश्मा आ गई है अब बिग बॉस के घर से बाहर। करिश्मा फर्स्ट रनर अप बनके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर और भी अच्छा लगता अगर मैं विनर होती, बट ठीक है, गौतम जीता है, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मतलब कहीं मन में लग रहा है कि इतने दूर आकर मतलब हाथ आया और मुंह न लगा। हाँ, ऐसी फीलिंग तो आई थिंक सबको होती है जब आप इतने करीब होते हो शो के विनिंग के और आपको वो जीतने का मौका नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। पर मैं उससे आगे सोचती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ एंड नहीं है इस ज़िंदगी का और आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। यहाँ तक आ गई बहुत बड़ी बात है। मैं इटसेल्फ, मैं प्रीतम दोनों विनर है गौतम के साथ साथ, तो थोड़ा दुख हो रहा है पर मैं खुश हूँ। इतने मंथ्स वहाँ पे स्पेंड किए हैं तो कितनी यादें लेकर जा रही हैं वहाँ से? बहुत सारी, एवरी डे एवरी घंटा यादगार थे, चाहे वो हम दुखी के पल थे या खुशी के पल थे, गलत डिसीजन लिया या सही डिसीजन लिया, सारे के सारे मोमेंट्स वहाँ बहुत यादगार थे, क्योंकि ये एक 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 लौता रियलिटी शो है जिसका एक्सपीरियंस आप बता ही नहीं सकते। आप जब तक बिग बॉस के घर में नहीं रहेंगे नहीं बता सकते क्या क्या एक्सपीरियंस है। एक्चुअली जनरली तो खिचड़ी पकती है लेकिन वहाँ पे उपमा पका, तो उसके लिए क्या कहें? हाँ, उपमा पका और अच्छा पका। देखते हैं आगे कैसा पकता है। वही हमने मतलब पहले भी आपसे जब बात करी वहाँ पर भी, तो क्या लगता है आगे जैसे कि पंडित जी ने भी कहा, और लेकिन आपका क्या कहना है, आप इस चीज़ को मतलब कंटिन्यू करेंगी या क्या रहेगा? डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जितने भी फीलिंग्स और इमोशंस थे वो फेक नहीं थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ये लोग गेम खेल रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरे लिए गेम ज़्यादा मायने नहीं रखती, मेरे इमोशंस, मेरी रियलिटी, मेरे फीलिंग्स जो है किसी के प्रति, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो या पर्सनल हो, मैं जो हूँ वो रियल थी इस शो में। और कोई भी एंगल क्रिएट करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि हमें शो में बने रहना है। तो यानी ये वैलेंटाइन डे करिश्मा के लिए खास होने वाला है? देखते हैं, पता नहीं है। पंडित जनार्दन जी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते, मैं नहीं। मतलब उनका उनकी जो प्रिडिक्शन है वो गलत साबित करके रहेंगी। 100% गलत साबित करके रहूंगी। एक दो घंटे के लिए उन्होंने मुझे हिला दिया, पर मैं ये सब बिलीव नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो कोई भी जाकर उनके पास चले जाए, पंडित जी हम क्या कर रहे हैं, हमको ये सोल्यूशन दे दो, तो सब अमीर हो जाएंगे, सब रिच हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, भगवान थोड़ी ना है कोई। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, और ऑडियंस आपको कहाँ आगे और जल्द देख पाएगी? आप लोग मुझे बहुत सारे शोज़ में देख पाएंगे। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है बहुत जल्द, मुझे एक्चुअली पता नहीं है कब, फेब या मार्च में, जिसका नाम है टीना एंड लोलो। तो बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड बेस्ट ऑफ योर फिल्म। कैमरामैन फैजान के साथ मैं वॉचिंग फॉर टेली मसाला। हाई, दिस इज करिश्मा तन्ना एंड यू आर वॉचिंग टेली मसाला।